तारीख 27 नवंबर 2016 पंजाब की सबसे सुरक्षित नाभा जेल की दीवारों में सेंध लग गई। सुबह सुबह जेल की सलाखें तोड़कर गोलियां दंदनाकर कुछ आतंकवादी और गैंगस्टर गाड़ियों से फरार होते नजर आए। चौबीस घंटे में पंजाब से लेकर दिल्ली तक अफसर, नेता, मंत्री सब हलकान हो गए। पुलिस की वर्दी में आए 10 बदमाश, 4 गैंगस्टर समेत 2 खालिस्तानी आतंकियों को भगा ले गए। ऐसा जेल ब्रेक कांड हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ फिल्म कर्मा में, जहां डॉक्टर डेंग को छुड़ाने उसके नकाबपोश गुर्गे पूरी जेल को जमींदोज कर गए। पंजाब की नाभा जेल की सलाखों को तोड़कर भागने वाला कुख्यात गैंगस्टर जानते हैं कौन था और ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? ताकि हम उस गैंगस्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख सकें। वो कोई और नहीं बल्कि हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर था। वही विक्की गौंडर जिसने फेसबुक पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मारने की धमकी दी थी। वही विक्की गौंडर जिसने कई पुलिस वालों के सामने कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलवा को ठोक डाला था। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में रौब, कसा हुआ बदन और आदत में अकड़ के साथ मन भर ऐठन, विक्की गौंडर का परिचय ऐसा ही था। सिर्फ एक आदत की वजह से विक्की गौंडर नेशनल प्लेयर से गैंगस्टर बन बैठा। गैंगस्टर भी ऐसा वैसा नहीं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज करके मर्डर करने वाला गैंगस्टर, ऐलान करके हत्या की डेट और टाइम बताने वाला गैंगस्टर। इस क्रिमिनल की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जिला मुक्तसर के सरावा बोतला में किसान मेहल सिंह के घर में हरजिंदर सिंह और विक्की पैदा हुआ। धूप, गर्मी और बरसात, पंजाब के यंगस्टर्स को इन तीनों चीजों का बहुत शौक है। कहा तो यह भी जाता है कि एनआरआई बनकर विदेश में सेटल होना या फिर फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना या फिर एक सफल किसान बनकर उन्नत खेती करना, पंजाब के यंगस्टर्स में इन तीनों में से किसी ना किसी एक का शौक आपको जरूर मिलेगा। इसी में से एक शौक था विक्की गौंडर को। विक्की गौंडर बीएसएफ में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। कहा जाता है कि मिडिल स्कूल में वो डिस्कस थ्रो में जनादन मेडल्स भी जीत चुका था, जिसमें 4 सिल्वर मेडल और 3 गोल्ड मेडल शामिल थे। विक्की गौंडर ने आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जालंधर की स्पीड फंड स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर ली। विक्की के कोच उसके खेल को देखकर काफी खुश थे, लेकिन परेशानी का कारण था उसका अति गुस्सैल बर्ताव, जिसके चलते वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से पंगे लेकर मारपीट पर उतारू हो जाता था। एकेडमी में विक्की लिदड़ा के नौप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा के साथ रहता था। इसी दौरान मिट्ठू बस्ती में रहने वाले प्रेमा लाहौरिया और विक्की गौंडर की दोस्ती हो गई। प्रेमा और सुखा कहलवा भी बचपन के दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे गैंगस्टर की दोस्ती में ईगो क्लैश बढ़ने लगा, क्योंकि बेहद जल्द सुखा कहलवा नामी गैंगस्टर बन चुका था। जल्द ही विक्की गौंडर को बीएसएफ में नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिला, लेकिन दोस्तों की जिद और जरायम की दुनिया के सब्ज बाग में विक्की गौंडर ने फंस कर ऐसा नहीं किया। विक्की गौंडर ने रातों रात स्पोर्ट्स एकेडमी छोड़ दी और 14 साल की उम्र में ही उसने हथियार उठा लिया। तकरीबन इसी उम्र में उसके खिलाफ पहला मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही शुरुआती दिनों में विक्की गौंडर हाईवे पर लूटपाट किया करता था, जिसे उसे हाईवे का लुटेरा भी कहा जाने लगा। शुरुआती दिनों में उसे इस काम में मदद मिलती थी लवली बाबा और प्रेमा लाहौरिया की तरफ से। विक्की गौंडर और सुखा कहलवा के रास्ते तब अलग अलग हो गए जब सुखा कहलवा ने 2010 में एक जिम के भीतर लवली बाबा को ठोक डाला।
16 सितंबर 2010 गोंडर और उसके गैंग ने गुरु तेग बहादुर नगर में नवजोत सिंह सरजू की कार छीनने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद गोंडर अपराध की दुनिया से कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि सुखा मर्डर से पहले तक गोंडर का नाम बहुत कम सुनने में आता था। 21 जनवरी 2015 इस तारीख के बाद गोंडर पंजाब में जुर्म की दुनिया का नया किंग बनकर उभरा। उसने जिस तरह बीच सड़क पर गोलियों की बौछार करके सुखा कहलवा का खेल खल्लास किया, जिस तरह से अपने दोस्त लवली बाबा के मर्डर का बदला लिया, उसने बाकी गैंगस्टर के सीने में खौफ पैदा करके खलबली मचा दी। 4 दिसंबर 2015 को तरन तारण की पुलिस ने विक्की गोंडर को सुखा कहलवा मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया, लेकिन जेल में हुए कैदियों से मारपीट ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी और उसे फौरन पंजाब की नाभा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अप्रैल 2016 पूर्व विधायक और गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी का हिमाचल प्रदेश के परवाणु में मर्डर हो गया। सुबह 10 बजे टीटीआर होटल के करीब दो बदमाशों ने कार के अंदर बैठे रॉकी पर नजदीक से गोली मारी। रॉकी के सिर में गोली लगी और उसका ऑन द स्पॉट अंत हो गया। गोंडर ने हत्याकांड में खुद का हाथ बताया और फेसबुक पर खुशी जताते हुए एक पोस्ट पे लिखा। इसी अप्रैल महीने में गोंडर ने बठिंडा के एसएसपी स्वप्न शर्मा को फोन करके धमकी दे दी। हैरानी की बात तो ये थी कि फोन विक्की ने नाभा जेल में बैठे बैठे किया था। विक्की गोंडर सुखा कहलवा की तरह ही 5 फुट 9 इंच लंबा एक शार्प शूटर था। कहा जाता है कि विक्की गोंडर जब किसी की हत्या करता था तो हत्या के बाद मौके वारदात पर भांगड़ा भी करता था, बाकायदा वीडियो शूट किया जाता था। साल 2015 से 2016 के बीच वो पंजाब की जेल में बंद रहा और जेल से ही बैठकर जुर्म का सिक्का चलाता रहा। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसने जेल में बैठे बैठे ही हत्या, फिरौती और रंगदारी के कई मामले निपटा डाले। 27 नवंबर 2016 जेल में करीब एक साल रहने के बाद विक्की गोंडर पटियाला की नाभा जेल से फरार हो गया। विक्की के साथ 3 गैंगस्टर समेत 2 आतंकी भी भागे। सब एक एक करके पकड़े भी गए, लेकिन गोंडर इसके बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वो अगले 13 महीने तक पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। हालांकि पुलिस सर्वेलांस के जरिए उसके आसपास ही रही। 6 बार पुलिस और गोंडर गैंग के बीच बड़ा एनकाउंटर होते होते बचा। 8 मई 2017 पंचकुला के सकेतड़ी गांव में बाउंसर अमित शर्मा और मीत को गोंडर गैंग ने बेरहमी से मार दिया। कहा जाता है कि गोंडर ने ही मीत की सुपारी दी और एक इशारा मिलने पर 2 शूटर्स ने मीत के सीने में 6 गोलियां उतार दी। ज्यादातर केसेस में गोंडर फेसबुक पर धमकी भरा पोस्ट लिखने के 24 घंटे बाद दुश्मन का काम तमाम करता था। गोंडर का यही रक्त चरित्र उसे बाकी गैंगस्टर से खूंखार बनाता था। हालांकि मीत के मर्डर के बाद गोंडर ने फेसबुक पर लिखा, उसने ये मर्डर नहीं किया, पुलिस उसे फंसा रही है। दिसंबर 2017 पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी दी। इस पोस्ट में गोंडर ने विपक्षी नेता की तारीफ की, जबकि कैप्टन के काम पर उंगली उठाई। विक्की गोंडर ने ये तक लिख दिया कि कैप्टन पार्षद बनने के लायक भी नहीं। गोंडर के फेसबुक पोस्ट का पूरा लहजा धमकी भरा था। कहते हैं इसी पोस्ट के बाद गोंडर के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। यही विक्की गोंडर की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि वो डायरेक्ट एक सीएम से पंगा ले बैठा। 27 साल के विक्की गोंडर को ये लगने लगा था कि पॉलिटिकल बयानबाजी की आड़ में वो अपनी जिंदगी को बचा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पुलिस ने विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत बुढ़ा को घेर लिया। फिर क्या था, वही हुआ जो विक्की गोंडर की किस्मत ने तय किया था। छब्बीस जनवरी 2018 राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का पक्का टिब्बे गांव एक रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस को मुखबिर से पक्की खबर लगी थी कि गोंडर और उसके साथी 3 दिन से पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर थाना हिंदुमल कोट के खेतों में बने घर में छिपे हैं।
ऐसी भी खबरें थी कि गौंडर और लाहौरिया को एक दो दिन में पाकिस्तान पहुंचना था। विक्की गौंडर पाकिस्तान जाकर आईएसआई से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। ये भी कहा जाता है कि सुखप्रीत बुड्ढा ने ही गौंडर किस गांव में होने की मुखबिरी की थी। सुक्खा कहलवा और सुखप्रीत बुड्ढा आपस में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही सुक्खा कहलवा का मर्डर हुआ, सुखप्रीत बुड्ढा गौंडर गैंग में शामिल हो गया। दरअसल वो विक्की गौंडर से सुक्खा कहलवा की हत्या का बदला लेने की फिराक में था। जब उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल सका, तब उसने विक्की गौंडर की मुखबिरी कर दी। गांव में घंटों मुठभेड़ चली, जिसमें विक्की गौंडर के साथ साथ उसका दोस्त प्रेमा लाहौरिया ऑन द स्पॉट ढेर कर दिए गए। गोली सुखप्रीत बुड्ढा को भी लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की पीठ थपथपाते हुए ट्वीट भी किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि गौंडर और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ने के बाद पॉलिटिकल दबाव के चलते उनका एनकाउंटर दिखाया, लेकिन सच ये है कि गैंगस्टर गौंडर का खात्मा एक दिन ऐसे ही होना लिखा था, क्योंकि हर खलनायक का खात्मा यूं ही होता है, जो बच जाता है वो सलाखों के पीछे सड़ता है।